घरेलू हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। यही वजह है कि राजधानी रायपुर में पुलिस ने घरेलू हिंसा रोकने के लिए एक नए अभियान चुप्पी तोड़ शुरू किया है। एसएसपी आरिफ शेख ने स्वराज एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान करीब 60 महिला जो है इस मामले में साथ ही हिंसा के मामले दर्ज हुए हैं। और एसएसपी आरिफ शेख से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा ने। लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा को रोकने रायपुर पुलिस ने एक नया अभियान चालू किया है और इस अभियान का नाम चुप्पी तोड़ दिया गया है। क्या कुछ ये पूरा अभियान रहेगा, कितनी टीमें इसमें गठित की गई है, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर एसएसपी आरिफ शेख जी, उनसे जानते हैं। सर, जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, 60 मामले रायपुर में आए हैं घरेलू हिंसा के, इसको रोकने के लिए एक नया अभियान आप लोग के द्वारा छेड़ा गया है, क्या कुछ इसका प्रारूप रहेगा, कितनी टीमें इसके अंदर काम करेंगी? लॉकडाउन के दौरान हमको लगातार घरेलू हिंसा की शिकायतें मिल रही थी और पिछले लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से करीब 60 शिकायतें हमारे पास आई हैं। तो इसमें हम लोगों ने ये किया कि पुलिस जो है प्रोएक्टिवली ऐसे जो पीड़िताएं हैं उनसे संपर्क करेगी जिनको चांसेस है जिनके ऊपर अत्याचार हो सकता है लॉकडाउन पीरियड के दौरान। तो पिछले 2018 से लेके अब तक जितनी ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के हमारे पास शिकायतें आई थी, करीब 1500 महिलाओं को हम लोगों ने चिन्हांकित किया है और इनसे हम लोग संपर्क करेंगे। एक 11 बिंदु का प्रोफार्मा बनाया है और हमारी करीब 4 टीमें रहेंगी जो कि इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही में मैं आम जनता से भी अपील करना चाहूंगा कि अगर वो ऐसे कोई घटना के विटनेस हैं तो निश्चित तौर पे हमसे संपर्क करें, ऐसे घटनाओं के ऊपर हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो घरेलू हिंसा बढ़ने के बाद पुलिस ने एक नया अभियान छेड़ा है और इस अभियान का नाम चुप्पी तोड़ दिया गया है, जिसमें 4 टीमें गठित की गई है और सभी जो इस तरीके के मामले आएंगे उसका निपटारा और निराकरण भी किया जाएगा। कैमरामैन चूला राम यादव के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस। पिथौरा में लॉकडाउन में सरकार